हमारी आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ओएसपी करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। सबसे पहले हमारे ये जो आपको सारी नज़र आ रहा है ये हमारे पास जूजिनम है, ये एंड होती है इलियम में, इलियम आती सीकम में, तो हम इसे कहते हैं इलियोसीकल जंक्शन। ये हमारे पास सीकम है, ये इलियम है। उसके बाद हमारे पास होती है असेंडिंग कोलोन स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन होती है, फिर हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन होती है और सेगमॉइड कोलोन और रेक्टम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं, इससे पहले जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ना इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। इसकी तीन टाइप होते हैं, उसको हम छोटे सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल मसल आपने लिख देना, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट साइड है ना, तो हमें पता है कि राइट साइड पे हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, सबसे पहले ये ब्रांच देती है जिसे कहते हैं राइट कोलिक आर्टरी। क्या कहते हैं? राइट कोलिक आर्टरी। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस देते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं मिडल कोलिक आर्टरी। ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस देती है, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे इसकी ब्रांच आती है जिसे कहते हैं इलियो कोलिक आर्टरी। ये हमारे पास कोलिक ब्रांचेस देती है और सीकल ब्रांचेस देती है, ठीक है। और सीकल जो होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर आए तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक सबसे पहले एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट कोलिक आर्टरी। लेफ्ट कोलिक आर्टरी यहाँ पे दो में डिवाइड हो रही है, असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। फिर ये जो ब्रांचेज निकलती है इसे सेगमॉइडल ब्रांचेज कहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास ये निकलती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये हमारे पास वही आ रही है, ये ड्यूडिनम, ड्यूडिनम का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।